संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने निर्देश दिए हैं कि महानगर में जाम से निजात दिलाने हेतु पार्किंग स्थल का चयन कर पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और वहां शौचालय पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि जनता को राहत देना प्रशासन का प्रमुख कार्य है और इसमें किसी भी स्तर पर उदासीनता नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने की दिशा में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आरटीओ को देते हुए कहा कि बिना परमिट नवीनीकरण कराए कोई भी ऑटो रिक्शा का संचलन सड़कों पर नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु वाहन जनित प्रदूषण में हो रही वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ई रिक्शा संचालन को प्रोत्साहित किया जाए। जिन टेम्पो टैक्सी की आयु सीमा पूर्ण हो चुकी है उनका ना तो नवीनीकरण किया जाए और ना ही उसका प्रतिस्थापन किया जाए, बल्कि उनके स्थान पर ई रिक्शा के संचालन को अनुमन्य किया जाए। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि आरटीओ ऑफिस गीडा एवं ट्रांसपोर्टरों की सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पुलिस चौकी की स्थापना की जाए तथा गीडा में अतिक्रमण हटाए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, एसपी ट्रैफिक सहित मंडल के सभी जनपदों के एआरटीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का संचालन संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने किया। सरकारी पर्यटन प्राधिकरण गोरखपुर की 242वीं बैठक और मेरी जो दूसरी कल बैठक है इसमें आए हुए सभी अध्यक्ष महोदय का, पीएम साहब का, अपने दोनों साहब का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सरकारी साहब का स्वागत करती हूँ। अगर अध्यक्ष की अनुमति हो तो मैं मीटिंग शुरू करूँगा। ये सरकारी परिवहन प्राधिकरण गोरखपुर की 242वीं बैठक है। इसके पहला जो मत है सर हमारा मत संख्या एक, उसमें 28/10/2020 को पिछले मीटिंग हुई थी उसके निर्णय के अल्पान आप समझिए। निर्णय के अनुसार प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28/10/2020 में लिए गए निर्णय के अनुपालन नाटक का अवलोकन कर निर्णय लिए गए थे। गोरखपुर महानगर में अनियंत्रित और ओवरलोड संचालित ऑटो रिक्शा के संबंध में सर्वोत्तम कार्रवाई किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक यातायात एवं संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन गोरखपुर को कड़े निर्देश दिए गए थे तथा चेकिंग का विवरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए। यदि महानगर में अनियंत्रित रूप से संचालित ऑटो रिक्शा पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की धारा 53 के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हमने एक कमेटी गठित की थी उसके महानगर में अनियंत्रित रूप से संचालित एलपीजी डीजल ऑटो रिक्शा के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की गई और इसमें जो हम लोगों ने कार्रवाई की है उसके आधार पर पुलिस विभाग द्वारा सर 3510 चालान किए गए थे और 5,72,00,000 रुपये का सर हम लोगों को प्रश्न शुल्क प्राप्त हुआ था। इसी तरह से परिवहन विभाग ने भी सर कार्रवाई की थी और ये 350 चालान किए गए थे, 23 बंद हुए थे और प्रश्न शुल्क इसमें 3,52,00,000 रुपये से हम लोगों को प्राप्त हुआ था। विभिन्न स्थान पर ओवरलोड और अनियंत्रित रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करने के निर्देश सर रिट्रोफिटमेंट के लिए हम लोग नहीं इसमें कोई कार्रवाई मतलब कार्रवाई को लेकर के आपको कोई असंतुष्ट है या कोई चीज ऐसा मुझे बता दीजिए। और फिलहाल अभी तक जो भी चीजें जमीन है वहाँ पे अगर कोई हमारे दूसरे टैक्सी वाले खड़े होते हैं तो रेलवे उनसे किराया मांगता है दिन भर का सर 50 रुपये पर प्रति घंटा है 200 रुपये सर चलाने के लिए। उसके तहत पर सर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सर लेटर लिखा था तो जिसमें उन्होंने एसएसपी साहब को ये निर्देश दिए गए थे कि आप यहाँ पे एक टैक्सी बुक स्थापित कर दीजिए और हम लोगों को सर ये निर्देश दिए गए थे कि आप जितने भी आपके टैक्सी ओनर हैं और कमर्शियल टैक्सी है सर उसकी सूची उपलब्ध करा दी सर। पेपर के माध्यम से भी आप बुला लीजिए लेट अस प्रे करो ठीक है। हम लोग कैसा किया जाए लोगों के साथ कोई इंटरेस्टेड पार्टी आ सकते हैं तो उनको बुला लिया जाए क्योंकि वी हैव टू हैव अ सिस्टम ठीक है। एक प्रीपेड टैक्सी का एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है हमारे रेलवे स्टेशन में एज वेल एज एयरपोर्ट में ठीक है। कोई इंटरेस्टेड है वो कोई आ करके वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हम लोगों को एक बार चेक कर सकते हैं ठीक है। और लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल छोटा हिसाब से ये शुरू करें मगर एक स्ट्रीमलाइन करने में सही हो जाएगा क्योंकि उसमें जीपीएस नेटवर्क हो जाए कि किसी
उसको लिया गया है, कहाँ छोड़ा जा रहा है, वो कहाँ पहुँच रहा है, ये सब होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिन में महिला सेफ्टी को भी लेकर के और सब चीज़ों को देख करके इसका बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको एक बार ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। अंदर नाम निर्देश किया गया था कि सीएनजी के आउटलेट स्थापित होने के पश्चात उस क्षेत्र में सीएनजी चालित प्रस्तुत करेंगे सर, तो हम आगे है सर उसका प्रस्ताव दे देंगे सर और कार्य सूची नेक्स्ट जब उसमें डिस्कस होगा उसी को।